हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गर्म तासीर व ठंडी तासीर वाले पदार्थ कौन से होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। एक बार वैद्य धन्वंतरी काशी में उपदेश देने के लिए आए थे, तो वैद्य वाग्भट ने वैद्य धन्वंतरी से पूछा, कोढ़ रूप कौन है, मतलब कि स्वस्थ कौन रहता है। तब धन्वंतरी ने जवाब दिया, मीत भूख, हृत भूख और हित भूख स्वस्थ रहता है, अर्थात भूख से थोड़ा कम भोजन करने वाला, ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला और पौष्टिक भोजन करने वाला स्वस्थ रहता है। दूसरी बात जो धन्वंतरी ने कही, ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला स्वस्थ रहता है। गर्मी में ठंडी तासीर वाले पदार्थ भोजन में लेने चाहिए व ठंडी में गर्म तासीर वाले पदार्थ लेने चाहिए। लेकिन लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ गर्म तासीर का है व कौन सा खाद्य पदार्थ ठंडी तासीर का है। तो आज हम यह सारा राज खोल कर रखेंगे। अनाज, तेल, फल, सब्जी, प्रत्येक रसोई में उपयोग में आने वाले पदार्थ के बारे में हम बताएंगे कि वह गर्म तासीर का है कि ठंडी तासीर का है। कुछ सामान्य नियम आयुर्वेद में होते हैं जिनका पता प्रत्येक जनमानस को होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके व डॉक्टरों के चक्कर काटने से बच सके व अपने समय, श्रम व धन को अपव्यय होने से बचा सके। सबसे पहले अनाज से शुरू करते हैं। गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, मक्का आदि ठंडी तासीर के होते हैं। रागी भी ठंडी तासीर का होता है, लेकिन अनाज में बाजरी की तासीर गर्म होती है, अतः हमें बाजरी का उपयोग ठंडी के मौसम में करना चाहिए। अब हम दूध व इसकी बनावट पर आते हैं। गाय, भैंस और बकरी के सारे जो दूध है वह सब प्रकार के दूध ठंडी तासीर के होते हैं। गाय का दही, भैंस का दही ठंडी तासीर का होता है, लेकिन बकरी का दही गर्म तासीर का होता है। गाय की छाछ गर्म तासीर की होती है, भैंस की छाछ और बकरी की छाछ ठंडी तासीर की होती है। मक्खन, गाय का मक्खन, भैंस का मक्खन, बकरी का मक्खन, तीनों ही मक्खन ठंडी तासीर के होते हैं। गाय का घी, भैंस का घी, बकरी का घी, तीनों ही घी ठंडी तासीर के होते हैं। सारे तेल गर्म तासीर के होते हैं। तिल व तिल का तेल गर्म तासीर है, अरंडी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली व मूंगफली का तेल, सारे तेल गर्म तासीर के होते हैं। गन्ना ठंडी तासीर का होता है। पुराना गुड़ गर्म तासीर का होता है, ताज़ा गुड़ ठंडी तासीर का होता है। शक्कर व मिश्री ठंडी तासीर के होते हैं, शहद ठंडी तासीर का होता है। चाय की तासीर गर्म है, कॉफ़ी की तासीर गर्म है, तंबाकू की तासीर गर्म है, लेकिन सुपारी शीतल व ठंडी तासीर की होती है। सौंफ या वरियाली, ऐसे तो उसकी गर्म तासीर बताई जाती है, परंतु उसको भिगोने पर जो पानी निकलता है वह ठंडी तासीर का होता है और शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है। खाने वाला पान जो भोजन के बाद खाया जाता है वह गर्म तासीर का होता है। अब दालें देखते हैं। मूंग की दाल ठंडी तासीर की है, मसूर की दाल ठंडी तासीर की है, अरहर की दाल ठंडी तासीर की है, चना व चने की दाल ठंडी तासीर की है, मटर ठंडी तासीर का होता है, चौलाई ठंडी तासीर की होती है, राजमा भी ठंडी तासीर का होता है, परंतु उड़द व मोठ ये दो दालें गर्म है, बाकी सब दालें ठंडी तासीर की होती हैं। अतः दोस्तों, उड़द के लड्डू ठंडी में खाए जाते हैं। अब मसाले देखते हैं। नमक ठंडी तासीर का होता है, काला नमक गर्म तासीर का होता है, हल्दी गर्म तासीर की होती है। धाना, वैसे तो गर्म तासीर बताई जाती है, परंतु इसको सब्जी में डालने पर और पानी में भिगोने पर ये ठंडी तासीर का बन जाता है। जीरा ठंडी तासीर का होता है, हींग गर्म तासीर की होती है, राई गर्म तासीर की है, लहसुन गर्म तासीर की है, मेथी गर्म तासीर की है, फुदीना गर्म तासीर का है।
सुआ गर्म तासीर है, अजवाइन गर्म तासीर है, खारा सोडा गर्म तासीर है, अदरक वसूट गर्म तासीर है, काली मिर्च गर्म तासीर है, पीपरी मूल गर्म तासीर है, लौंग गर्म तासीर है, इलायची ठंडी तासीर होती है। सारे मसाले हमने देखे दोस्तों, सब गर्म तासीर के हैं, परंतु इलायची ठंडी तासीर की होती है। दालचीनी गर्म तासीर है, तेजपत्ता गर्म तासीर है, जायफल तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण और अति गर्म तासीर का होता है, जवंत्री गर्म तासीर है, कोकम गर्म तासीर है, इमली गर्म तासीर है, नींबू, नींबू वैसे तो खट्टे पदार्थ होते हैं, वो सब गर्म तासीर के होते हैं, परंतु नींबू शरीर में जाके गर्मी उत्पन्न नहीं करता है, उसको पीने से हमारे शरीर में ठंडक उत्पन्न होती है। मीठा नीम इसकी ठंडी तासीर है। तो अतः हम देखते हैं कि ज़्यादातर मसाले गर्म हैं, सिवाय एक धाना ठंडी तासीर है, सौंफ ठंडी तासीर है, जीरा ठंडी तासीर है, इलायची ठंडी तासीर है, और मीठा नीम ये और नमक, ये 5-6 मसाले हैं वो सिर्फ ठंडी तासीर के हैं, बाकी सारे मसाले गर्म तासीर के हैं। अब सब्जियां देखते हैं, बैंगन गर्म तासीर का है, परवल गर्म तासीर का है, करेला गर्म तासीर है, कंटोला गर्म तासीर है, दूधी, दूधी अति ठंडी तासीर की होती है, ककड़ी ठंडी तासीर है, तोरई ठंडी तासीर है, कद्दू ठंडी तासीर है, आलू ठंडी तासीर है, शकरकंद ठंडी तासीर है, रतालू ठंडी तासीर है, सूरन गर्म तासीर का है, प्याज ठंडी तासीर का है, गाजर गर्म तासीर की है, मूला मोगरी गर्म तासीर है, पत्ता गोभी ठंडी तासीर है, भिंडी गर्म तासीर है, ग्वारफली ठंडी तासीर है, वाल पापड़ी ठंडी तासीर है, बीन्स ठंडी तासीर है, सहजन फली गर्म तासीर है, चंदलाई अति ठंडी तासीर है। अतः हमें दूधी और चंदलाई ये दो सब्जियां गर्मी में ज़्यादा खानी चाहिए, ये अति ठंडी तासीर की होती है। अब सारे फल देखते हैं, अंगूर ठंडी तासीर का है, खजूर ठंडी तासीर की है, अंजीर ठंडी तासीर का है, नारियल ठंडी तासीर का है, आंवला ठंडी तासीर का है, केला ठंडी तासीर का है, अमरूद ठंडी तासीर का है, सीताफल ठंडी तासीर का है, वो या बेर ये गर्म तासीर का है, और टमाटर ये भी गर्म तासीर का है, जामुन ठंडी तासीर का है, सिंगाड़ा ठंडी तासीर का है, चीकू ठंडी तासीर का है, सेब ठंडी तासीर का है, नारंगी, नारंगी गर्म तासीर है, मौसम्बी ठंडी तासीर है, मीठा आम ठंडी तासीर है, फालसा ठंडी तासीर है, सैतूत गर्म तासीर है, पाइनएप्पल ठंडी तासीर है, तरबूज ठंडी तासीर है, खरबूजा ठंडी तासीर है, बादाम गर्म तासीर है, पिस्ता गर्म तासीर है, चारोली ठंडी तासीर है, काजू गर्म तासीर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज़्यादातर फल जो होते हैं वो ठंडी तासीर के होते हैं, किंतु जो ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सारे गर्म तासीर के, इसलिए इसको ड्राई फ्रूट्स को गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ठंडी में खाना चाहिए। इस प्रकार हमने रसोई में उपयोग में आने वाले सारे पदार्थ देखे कि उसकी तासीर कैसी है, ठंडी है या गर्म है। शरीर का हित क्या है, अहित क्या है, यह विवेक यदि मनुष्य में नहीं है तो शरीर रोगों का जन्म निश्चित है, कारण कि रोग होने का कारण गलत आहार ही है। शरीर को निरोगी बनाना या रोगी बनाना मनुष्य के हाथ की बात है। मनुष्य निश्चित कर ले कि वह अपने शरीर को स्वस्थ बना सकता है और रख भी सकता है तो यह संभव है। हमें ऋतु के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करना चाहिए। गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म तासीर की चीज़ें खाने से आरोग्य सही रहता है। हर ऋतु की आबोहवा अलग अलग होती है और हमारे शरीर पर इस ऋतु की असर भी अलग अलग होती है। ऋतु के अनुसार खाने में परिवर्तन करना जरूरी है। ऐसा करने से ऋतु की ठंडी, गर्मी और अन्य असर को सह सकने की शक्ति हमको प्रदान मिलती है और प्रतिकार करने की शक्ति भी हमारे शरीर को मिलती है। आज इतनी ही चर्चा करूंगी, और भी बहुत कुछ है आयुर्वेद के बेसिक रूल्स जो मुझे आपको बताने हैं, जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी जरूरी है, जिसकी चर्चा हम अन्य वीडियो में करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।